दोस्त आज वुमेन्स एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया। आज के मुकाबले में पाकिस्तान महिला टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 137 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए कप्तान बिस्माह मरूफ ने सबसे ज्यादा 32 रनों की पारी खेली, जबकि नीडा डार ने 56 रन बनाए, जिन्होंने 37 गेंदों का सामना करते हुए 5 ओवर एक छक्का लगाया। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाया और पूरी पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 137 रन बनाने में कामयाब रही और इंडिया को जीत के लिए 138 रनों का टारगेट दिया। लेकिन बाद में बल्लेबाजी करने टीम इंडिया 19.4 ओवर में 124 रन बना पाई और इस मुकाबले में 13 रनों से हार का सामना करना पड़ा। भारत के लिए ऋचा घोष ने सबसे ज्यादा 26 रनों की पारी खेली। उन्होंने 13 गेंदों का सामना करते हुए 3 बेहतरीन छक्के और 1 चौका लगाया और जीत दिलाने की भारत को पूरी कोशिश की, लेकिन वो भी आखिरी तक नहीं डट पाई और भारत को जीत नहीं दिला पाई। इसके अलावा दयाल हेमलता ने 20 रन बनाई और स्मृति मंधाना ने 17 रनों की पारी खेली, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत हासिल नहीं कर पाई और भारत को 13 रनों से हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के लिए निशरा संधू ने सबसे ज्यादा 4 ओवरों में 30 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। सो दोस्तों, क्रिकेट की इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।